तो पीने के लिए सही स्पॉट है। लाया तो बना के यहाँ खाते बैठ गए। पकड़ो डंडे से आज एक्सरसाइज वाले में तो बोल लगा भी सर। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हमारे पास धीरे धीरे हर जगह से कुछ ना कुछ इनपुट्स आ रहे थे रिगार्डिंग कि कहीं ना कहीं जो कल्टीवेशन इसकी पॉपी कल्टीवेशन जो इलीगल की गई है सर, तो उसमें हमारे बड़े साहब एसएसपी साहब की डायरेक्शंस पे आज हमने ड्राइव चलाई हुई थी कि जहाँ जहाँ पे भी ये कल्टीवेशन की गई थी वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे फिज़िकली विज़िट करके और वहाँ पे हमने अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब और फिर हमारे तौसीफ़ साहब जो हैं अपने एक्साइज डिपार्टमेंट के, इन सबसे यहाँ पर मिलकर हमने एक ड्राइव चलाई, कलेक्टिव ड्राइव चलाई, और उसमें हमने जहाँ जहाँ भी ये इलीगल कल्टीवेशन थी तो उनको डिस्ट्रॉय किया सर। बिल्कुल सर, इसमें ये डिस्ट्रॉय करने के बाद सर इसमें सबसे पहले हम रेवेन्यू से रिकॉर्ड ले लेंगे ये किसकी ज़मीन पर ये चीज़ें उगाई गई थी और क्या परमिशन ली ये कि नहीं लगी। हालांकि अभी सरसरी तौर पे मैंने अपने एक्साइज इंस्पेक्टर साहब को पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मुझे किसी भी जगह से कोई भी परमिशन जो है रिगार्डिंग इसकी कल्टीवेशन के की गई थी, तो इसलिए इसमें फर्दर जो NDPS एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी सर। मेरी यही गुजारिश है, मैं जैसे अभी यहाँ पे इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे उसी दौरान भी मुझे काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स आ रही थी और वो हमें मुझे बोल रहे थे और हमारे सीनियर्स को भी बोल रहे हैं कि हम आपको इस चीज़ के बारे में इतला देते रहेंगे बट हमारा नाम डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों की इनपुट की वजह से आज हम इस जो इलीगल कल्टीवेशन हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। एंड सेकेंडली मैं उनको फर्दर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन फ्यूचर भी हमें वो इस तरह की जो चीज़ों के बारे में बताते रहें ताकि हम यहां से इस ड्रग मैनेज को बिल्कुल ख़त्म कर सकें।